भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के सूबा प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल वालों अज फरीदकोट च एक पत्रकार सम्मेलन दौरान ऐलान किया गया है कि पंजाब दीआं सारीआं किसान जथेबंदियां दे मैंबर पंजाब सरकार अते निजी खंड मिलां वालों गन्ने की फसल की बकाया राशि नूं लैके 20 अगस्त नूं जलंधर च एक विशाल संघर्ष विड़िया जाएगा जिसके तहत उन्हां वालों हाईवे जाम करके सरकार खिलाफ़ संघर्ष शुरू किया जाएगा। उन्हां कहा है कि सरकार वल अते उन्हां दे चहेतिआं दीआं निजी खंड मिलां वल किसानां दे करोड़ां रुपए की गन्ने की फसल की राशि बकाया है, पर वार वार विरोध करन दे बावजूद भी उन्हां वालों किसानां नूं बकाया जारी नहीं किया जा रहा, जिस नूं लैके हुण 20 अगस्त तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्हें इस मौके होर की कुछ कहा है, आओ सुनते हाँ। पत्रकार दोस्तों, सब तो पहला तो सारों जी आया धन्यवाद। आप अज इस परपज लिए इकट्ठे हुए हैं कि तुसी देखिए कि पिछले लंबे समय तो पंजाब गवर्नमेंट ने जिहड़ा साडा गन्ने का काश्तकार किसान है उन्होंने कोई किसी तरह की राहत नहीं दी। इतों तक करके किसानों ने जिहड़ा गन्ना बीजा भी है वह भी बकाया लोगों का हजे मिलों वाल बकाया पड़ा है। उस टॉपिक के उत्ते मीटिंग हुई सी 16 जथेबंदियों की और उस तो बाद बत्तियां ने भी सहमति दी उस मैटर के उत्ते। 20 तरीक नूं मेन हाईवे जाम किया जाना जलंधर तो। मेन मंग साडी है कि किसानों नूं जिहड़ा बहुत लंबे समय तो सरकार इस गल ते रौला पा रही है कि किसान डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं करते, किसान कणक झोने चो बाहर क्यों नहीं निकलते, और जिथे किसान बाहर निकलिया उत्थे किसान दे नाल ही कुछ होया। अज किसानां दा पैसा जिहड़ा मिलां वल खड़ा है और मिलां ने कोई उन्हां दी कीमत वधाउण नूं तैयार नहीं, और जो दुर्दशा अज किसान दी हो रही है गन्ना काश्तकारां दी उहदा कोई मतलब गिनती मिनती तो बाहर दीआं गल्लां है। इस इशू नूं लैके किसानां दी कीमत दा वाधा होवे और नाल दी नाल ही किसानां नूं जिहड़ा बकाया है वो मिले, ये प्रोटेस्ट असीं सारियां ही दुआबे दीआं जथेबंदियां इधरों पंजाब इधरले पासे माझे वल मालवे वल्लों असीं जावांगे वड्डी गिणती दे विच मतलब काफले लैके, और उस प्रोटेस्ट नूं असीं सफल करन दे लई उत्थे जाणा है। अज दा साडा मेन मतलब इत्थे मीटिंग करन दा वी परपज ये सी। एक तां नंबर दो, दूसरी जिहड़ी वड्डी गल है कि तुसीं देखिआ कि कल दा खासा मीडिया दे विच रौला पै रिहा है कि सरकार ने सोधां ते गल करनी शुरू करती, सरकार ने जी APMC मंडी दे उत्ते बहुत वड्डे फैसले ले ले, जिहड़ियां इह जिहियां गल्लां आ रहियां सब बकवास है, इहनां दे विच कोई दम नहीं है। क्योंकि सोधां दे उत्ते तां सरकार शुरू तो कहिंदी आ रही है कि सोधां असीं कर देंगे जी, सोधां करवा लो। एक मीटिंग दे विच सानूं अमित शाह ने इत्थों तक कहता भी कल्ला डब्बा पिया रहिण दिओ, जो कुछ तुहानूं लगदा सारा कुछ इहदे विचों कढवा लो और असीं उहदे लई तैयार हाँ। बट किसानां ने उस दिन इस करके असीं सारे आगूआं ने ਇਹ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜੇਕਰ APMC ਮੰਡੀ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ 100% ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੰਡੀ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ FCI ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, और जो FCI खत्म हुई मंडी ढांचा बर्बाद हो गया। उस तो बाद इन्होंने साड़ियां फसलों नू जिस तरह अज बिहार दे विच मिट्टी दे भाव किसानों की फसल खरीदी जा रही है, जां जिहड़ियां फसलों की सरकारी खरीद नहीं जिवें मक्की है, मक्की की सरकारी खरीद नहीं है, मक्की का रेट 1880 रुपये है लेकिन खरीदी जा रही है 600-700 रुपए नू क्विंटल, यह जिहा कुछ साड़ियां दूजियां फसलों नाल भी होएगा। सो इस करके किसानों नू उन्ना चिर कतई मंजूर नहीं कि एक सरकार कहे कि APMC मंडी के कानून के असी सोधा कर देने जी, सोधा करके मसले का हल कर देंगे, बिल्कुल नहीं हो सकना। ये उन्ना चिर लड़ाई जारी रहेगी जिन्ना चिर ये जिहड़े खेती विरोधी तीनों काले कानून है ये रद्द नहीं होंगे, उन्ने चिर तक ये अंदोलन जारी रहेगा। कोई किसी तरह का इत्थे तुहाडे नाल तालमेल करन तों तुहाडे माध्यम दे राहीं असी किसानां नूं एक मैसेज देना चाहुंदे कि एक गलत भरम फैलाया जा रहा है कि लो जी बहुत सोधा करन नूं तैयार होगी सरकार का मसला हल हो गया, किसी ने फेसबुक पर भी लिख के पाता लो जी किसान तो जित गए, मोर्चा तो जितते नेड़े चलिया गया। मैं कहना ये तो एक चाल हुई है साडे नाल, मोर्चा जितने वाली गल नहीं है,
एक सरकार ने चाल खेडी है जी लगातार उन्होंने व्यक्तियों के थ्रू ये चलती आ रही है। जो गल करिए पंजाब के किसानों का कितना बकाया जो सरकार वाली रहा या मिलों लिए रहा? देखो पिछे आया सीगा एक कि जी सरकारी मिल है इन्होंने वाल तो मतलब पैसा मेरे ख्याल 2 करोड़ रह गया, तो बहुत रकम नहीं रही इन्होंने, लेकिन बाकी जड़िया मिल उन्होंने बहुत बड़ी राशि खड़ी है। और वो जी जो बाकी प्राइवेट मिल है वो मिल भी इन्होंने रिश्तेदार दी है, सरकारी ना होके सरकारिया के रिश्तेदार दी मिल है जिन्होंने किसानों उसका पैसा लुट लिया। और उस तो बाद दूजी लुट होर की है कि यह कहता कि असं तो मिले नहीं चलाने इस बारी देश के दे किसान गन्ना पीड़न वास्ते मिल ना चलाने तो ना करती कि मिल नहीं चलावे असी, किसान बेचारा मिट्टी के भाव का गन्ना सीटने लिए मजबूर होया। और उस ही समय भारत सरकार खंड पाकिस्तान तो मंगवा रही है जिन्हों आपका एक नंबर का दुश्मन मानती है, अगर भारत के अंदर कोई कुत्ती भी मर जाती तो कहे पाकिस्तान वाले ने मारती, अगर इतने कोई माड़ी जी घटना वापर जाए तो कहे जी ISI ने मारने आ काम करता। जोड़े लोग एडा व्डे साढ़े दुश्मन ने उन्होंने मतलब खंड वर्गे सौदे किए जा रहे हैं और देश का किसान लुटिया जा रहा है। 20 तरीक में जो संघर्ष करना चाह रहे हो जो चाम करने किन्ने दिन संघर्ष चलेगा या सिर्फ एक दिन लिए? नहीं ये एक दिन नहीं चलेगा, देखो यहाँ पहले क्या है सरकार ने उसे अल्टीमेटम दिते हैं, सरकार ने उसे मंग पत्र दिते हुए हैं कि या तो सर किसानों का कुछ करो, नहीं करोगे तो असं रोड से बैठा, फिर रोड से बैठा जिनों उदो दिल्ली की तरह बैठा जिन्ना चर मतलब सानू साडे किसे सिरे नहीं लाउंदे किसानों कुछ देंदे नहीं उन्ना चर लई मतलब साडा अंदोलन। फरीदकोट तो संदीप सेठी की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।